महाराष्ट्र के पालघर में मॉब लिंचिंग से 3 साधुओं की हत्या के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी से पुलिस ने पूछताछ की। अर्णब गोस्वामी से मुंबई पुलिस ने करीब 12 घंटे पूछताछ की और इसके बाद अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। मनोज तिवारी ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वाले चुप हैं, ये गलत है। दोस्तों, पालघर की घटना ने पूरे देश को उद्वेलित कर रखा है, सबका मन दुखी है, सबकी एक ही डिमांड है, इस घटना की, संतों की हत्या की कड़ी जांच हो और जो दोषी हो उनको सजा हो। लेकिन ऐसा होने की बजाय कुछ और हो रहा है। जिस पत्रकार ने इस पे आवाज उठाई, कई पत्रकारों ने आवाज उठाई, एक पत्रकार ने अपना स्वतंत्र विचार रखते हुए इसमें जो बातें कही उसके आधार पे आज दिन भर महाराष्ट्र सरकार में उसको 8-10 घंटे प्रताड़ित किया गया। ये शर्मनाक है। देश में मोदी सरकार है, ऐसी घटना आपको शायद ढूंढने से कहीं मिले। कितनी बातें होती हैं, कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन आज आपको महसूस हो रहा होगा जैसे इमरजेंसी की झलक कैसी हुई होगी। हम इसका निंदा करते हैं और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कूद कूद कर बात करते थे आज उनको सांप सूंघा हुआ है, ये गलत है। नमस्कार। बता दें कि पालघर मॉब लिंचिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष पर टिप्पणी करने के मामले में अर्णब गोस्वामी पर देश के कई राज्यों में FIR दर्ज की गई है। साथ ही उस रात अर्णब गोस्वामी पर हमला करने वाले आरोपित दोनों युवकों को भोईवाड़ा कोर्ट ने जमानत दे दी है। न्यूज डेस्क।